जाने इस्लाम और बुद्ध धर्म के अनुसार आत्मा कहा जाती है। अगर हम धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो विभिन्न संस्कृति और धर्मों में मान्यता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा विभिन्न मार्गों पर चली जाती है। हालांकि इस विषय में अलग अलग धार्मिक संप्रदायों में विभिन्न मतभेद हो सकते हैं। मैं कुछ प्रमुख धार्मिक परंपराओं के आधार पर आपको बता सकता हूँ। इस्लाम। इस्लाम धर्म में मृतक की आत्मा का माना जाता है कि वह अपने आखिरी दिन के बाद कयामत के दिन उठाई जाएगी। ये दिन इस्लामी धर्म में सबकी मृत्यु के बाद आएगा, जब लोग अपने कर्मों के आधार पर जज जाते जाएंगे और फिर उन्हें जन्नत परम आनंद की स्थान या जहन्नुम नरक की स्थान भेजा जाएगा, जो उनके कर्मों के अनुसार होगा। हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में विश्वास किया जाता है कि मृतक की आत्मा शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है, जिसे पुनर्जन्म या रीबत कहते हैं। ये पुनर्जन्म कई जन्मों तक चलता रहता है, जिसमें आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नए जन्म की प्राप्ति होती है। अगर कर्म के फलस्वरूप आत्मा के कर्मों में अच्छाई थी तो वह अगले जन्म में भलाई पाती है, और अगर बुराई थी तो दुख को भुगतना पड़ता है। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है और फिर वह अगले जन्म के लिए तैयार होती है। बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए संसार के सब दुखों का नाश करना महत्वपूर्ण माना जाता है। खरिति धर्म। खरिति धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा परमेश्वर के पास जाती है और वहाँ उसका समाधान होता है। खरिति धर्म में स्वर्ग और नरक के बारे में भी चर्चा होती है, जहाँ अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले नरक में पड़ते हैं। ये सभी धार्मिक संप्रदाय अपनी अपनी अनुष्ठानिकता और सिद्धांत के अनुसार आत्मा। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल लेटेस्ट नॉलेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।